दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रॉडबैंड जो है काफ़ी रीजन स्पेसिफिक होता है। मतलब जो स्पीड और परफॉर्मेंस है वो एरिया टू एरिया काफ़ी डिफ़र कर सकती है। इसलिए अगर आप कोई भी ब्रॉडबैंड लगवा रहे हैं तो सबसे पहले पता कर लें कि आपके नेबरहुड में उसकी सर्विसिंग कैसी है, क्योंकि लास्ट थिंग आप चाहेंगे कि आपने न्यू ब्रॉडबैंड लगवाया और हर 3 दिन में जो है आपको कस्टमर केयर पर फ़ोन करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब सीधे टॉपिक पे आते हैं, एयरटेल वर्सेस जियो, कौन सा फाइबर सबसे अच्छा है और कौन सा जो है आपको लगवाना चाहिए। तो ये वीडियो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है और आप डिस्क्रिप्शन से टाइम स्टैम्प देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स के। बट अगर आप कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले अगर आपको कोई भी फाइबर का कनेक्शन लगवाना है तो आपको पता करना होगा कि वो आपके एरिया में अवेलेबल है भी या नहीं। दोस्तों, जियो और एयरटेल की फाइबर की तार अभी सब जगह नहीं पहुंची है और आपको कस्टमर केयर पे पता करना होगा कि आपके एरिया का क्या स्टेटस है। स्टेटस अप्रूव होने के बाद अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। दोनों का ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है। आपको कस्टमर केयर पे रजिस्टर करना है कि आपको एयरटेल या जियो फाइबर लगवाना है। 2-3 दिन बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस हो जाएगी और विद इन अ वीक आपके घर में नया फाइबर कनेक्शन आ जाएगा। दोस्तों, दोनों ही केसेस में आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। अब बात करें खर्चे की, तो जियो में जो है काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। आपके पास दो ऑप्शन हैं, इधर 1500 या 2500। दोस्तों, 1500 में आपको सिर्फ एक राउटर मिलता है, बट 2500 में आपको राउटर के साथ साथ एक 4K सेटअप बॉक्स भी मिलता है। दोस्तों, ये अमाउंट फुली रिफंडेबल है जब आप उन्हें सेटअप बॉक्स और राउटर वापस कर देंगे। फर्स्ट मंथ जो है जियो में फ्री रहेगा और सेकेंड मंथ से जो है आपको जियो का जो है रिचार्ज करना है, क्योंकि जियो जो है प्रीपेड है। इसके अलावा इसमें कोई हिडन या कोई तार वगैरह की कॉस्ट नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एयरटेल में जो है प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है 1000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस देने हैं। राउटर इसमें भी फ्री रहेगा, बट आप ये इंस्टॉलेशन चार्ज वेव कर सकते हैं अगर आप 3 मंथ्स का जो है एडवांस पेमेंट करते हैं। एयरटेल जो है पोस्टपेड है और आफ्टर 3 मंथ जो है आपका बिल आएगा विद एडिशनल 18% GST। दोस्तों, एयरटेल में भी आपको सेटअप बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि एयरटेल एक्सट्रीम के नाम से आता है, जिसके आपको 1500 रिफंडेबल अमाउंट पे करने होते हैं। दोस्तों, ये बॉक्स कम्प्लीटली ऑप्शनल है। दोनों ही कंपनीज़ में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल भी मिलती है वाया लैंडलाइन, बट लैंडलाइन जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों में ही आपको प्रोवाइडेड नहीं होता। मैंने 2 साल पहले एयरटेल का कनेक्शन लगवाया था और उस टाइम उन्होंने मुझे लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया था, बट दोस्तों उस टाइम जो है एयरटेल के जो प्लान्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव थे एज़ कम्पेयर टू टुडे। तो अगर आपका जो टेक्नीशियन आएगा, आप उससे बात कर सकते हैं कि शायद आपको वो फ्री जो है इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर दे। इनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो काफ़ी बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वो शायद आपको भी प्रोवाइड कर दें। अब बात करें प्लान्स की, तो दोनों ही कंपनीज़ काफ़ी सिमिलर प्लान्स प्रोवाइड करती हैं विद सिमिलर प्राइसिंग। सभी प्लान्स पे आपको एडिशनल 18% GST देना है। दोनों ही कंपनीज़ के सभी प्लान्स अनलिमिटेड हैं इफ़ेक्टिवली, मतलब आपको 3300 की डेटा कैप देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट सभी रेगुलर यूज़र्स के लिए इतना जो है डेटा इनफ होगा, बट अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप जियो में 10,000 रुपये का प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 6,000 GB मिलता है पर मंथ। दोस्तों, OTT ऐप्स की बात करने से पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये सारे ऐप्स गिमिक हैं अगर आपका नेट ही अच्छा ना हो। तो सिर्फ OTT ऐप्स के लिए ये सब्सक्रिप्शन ना लें, सबसे पहले देखें कि कौन सा नेट बेटर है और फिर इन्हें एडिशनल जो है गिफ्ट्स की तरह देखें। दोस्तों, दोनों ही कंपनीज़ के बेसिक प्लान की बात करें तो जियो में आपको कोई भी OTT ऐप्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट एयरटेल में आपको जो है एयरटेल एक्सट्रीम और विंक म्यूज़िक देखने को मिलते हैं। बट अगर हम दोनों के ही 999 वाले प्लान को कंपेयर करें, जो कि दोनों का ही मतलब फुल फ्लेज्ड प्लान है, जियो में आपको 11 जो है OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, बट इनमें से जो मेजर हैं जैसे अमेज़ॉन प्राइम, सोनी लिव, डिज्नी हॉटस्टार और अगर स्ट्रेच करें तो ओल्ड पालाजी, वही जो है काम के हैं। अगर आप 999 से ऊपर का कोई भी प्लान लेते हैं तो आपको नेटफ्लिक्स का जो है सब्सक्रिप्शन भी मिलता है,
जो कि बोनस है। एयरटेल के 999 वाले प्लान में आपको अमेज़न प्राइम और G5 ही मिलते हैं। बाकी जो एयरटेल एक्सट्रीम और विंक म्यूज़िक हैं वो तो सभी प्लान्स में कॉमन है। तो दोस्तों OTT के डिपार्टमेंट में जो है जियो काफ़ी बेटर ऑप्शंस दे रहा है। एयरटेल एक्सट्रीम ऐप में आपको जितने भी सारे चटर बटर ऐप्स हैं उनके शोज़ जो हैं फ्री में देखने को मिलते हैं, और जियो ने जो है यही ऐप्स अलग से लिस्ट करके लिखे हुए हैं। पर जियो में एक मेजर बेनिफिट है कि आपको जितने भी ये सारे OTT ऐप्स हैं इनका जो सब्सक्रिप्शन है तब तक मिलेगा जब तक आपका प्लान चल रहा है। एयरटेल में ऐसा नहीं है, एयरटेल में आपको ये सारे जो सब्सक्रिप्शन हैं 1 ईयर के लिए ही मिलते हैं। अब बात करें कस्टमर सपोर्ट की, तो सिंस दोनों ही ये कंपनीज प्राइवेट कंपनीज हैं, कस्टमर जो है इनके लिए किंग है, तो ये दोनों ही कंपनीज काफ़ी अच्छी सर्विसिंग प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों मैं एयरटेल से काफ़ी खुश हूँ, वो विदिन 2 आवर्स जो है घर पे आपके टेक्नीशियन भेज देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों एयरटेल जो है हार्डली कभी डाउन होता है, और डाउन भी होता है तो इनकी सर्विसिंग जो है काफ़ी फास्ट है। दोस्तों मैंने जियो पर्सनली तो यूज़ नहीं किया है, बट उसकी सर्विसिंग जो है उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो आप जियो से भी अच्छी सर्विस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है और आपका एक्सपीरियंस जो है वेरी कर सकता है। अब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। एयरटेल ट्रस्टेड ब्रांड है और मोर वाइड स्प्रेड है एज़ कम्पेयर टू जियो, तो काफ़ी लोगों के लिए जो है एयरटेल ही इकलौता ऑप्शन होगा। बट अगर हम ऑन पेपर देखें और अगर आप OTT ऐप्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जियो जो है बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो दे रहा है, स्पेशली 999 या उससे ऊपर के प्लान्स। दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एयरटेल के साथ आंखें बंद करके जा सकते हैं, बट अगर आपका OTT यूसेज बहुत है और आप जियो पर ट्रस्ट करते हैं तो आप जियो फाइबर को भी लगवा सकते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप करंटली कौन सा फाइबर यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप इन दोनों में से कोई भी फाइबर करंटली यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस जो है ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे तो वो बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा परचेज डिसीजन लेने में। इस वीडियो में अगर कोई भी जो डिटेल है मिस हो गई हो तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही।